खबर इंदौर से है, जहां पर अचानक उल्टे हुए राजनीतिक घटनाक्रम ने भले ही महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आते ही मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में विश्वास बढ़ गया है। मुंबई में भले ही शपथ ग्रहण हुआ हो, लेकिन मिनी मुंबई इंदौर की सड़कों पर जश्न का दौर शुरू हो गया है। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने की खुशी जताई। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र के महू नाका में एमआईसी मेंबर और बीजेपी पार्षद सुधीर देड़गे ने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर आतिशबाजी की। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के कट्टर समर्थक सुधीर दौड़गेंगी माने तो उन्हें विश्वास था कि अति राजनीतिक समीकरण सीएम देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में ही बैठेंगे, और हुआ भी यही है। महुनाका क्षेत्र में जोरदार आतिशबाजी के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़क पर दिखा। हम आपको बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी की जश्न की पहली तस्वीर इंदौर से आई है, जो साफ इशारा कर रही है कि भले ही प्रदेश में बीजेपी ना हो, लेकिन निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली। और खास तौर पर महाराष्ट्र के बदले सियासी समीकरण के बाद कार्यकर्ताओं को उम्मीद जाग गई है कि निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सरकार गठन पर अपनी आज खुशी व्यक्त कर रहे हैं, और जो पिछले 15 दिन से महाराष्ट्र में एक उपापहो की स्थिति थी कि सरकार बन रही है, किसकी बन रही है, कैसे बन रही है, आज उस पर विराम लगा है और महाराष्ट्र की जनता की अपेक्षाओं और जो उनकी इच्छा है उसके अनुसार वहाँ सरकार का गठन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में महाराष्ट्र में है, इस नाते से ये सरकार अस्थायी सरकार होगी और महाराष्ट्र के सभी मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। इसके लिए हम सब कार्यकर्ता आज यहाँ मुख्यालय, जिला मुख्यालय हरिद्वार पर अपनी सरकार के गठन पर खुशी मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के महाराष्ट्र के सभी मतदाताओं का हृदय की गहराइयों से आभार भी व्यक्त करते हैं।